अली नेता शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी सुर्खियों में है। दिल्ली में उनके कब्र को पक्का किया जा रहा था। बीते महीने दिल्ली के अस्पताल में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। पुरानी दिल्ली के दिल्ली गेट इलाके में स्थित कब्रिस्तान में शहाबुद्दीन की कब्र पक्की करने पर रोक लगा दी गई है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। बिहार के बाहुबली नेता रहे और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का इंतकाल दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुआ था और ये मई महीने में कोविड की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। इंतकाल के बाद उन्हें आईटीओ स्थित एक कब्रिस्तान में यहाँ पर उनको दफनाया गया था और ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये इसी कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया था। और इस कब्रिस्तान में जिस जगह पर उनको दफनाया गया था वहाँ पर एक इमारत जैसी बनाने की कोशिश की जा रही थी और ये देखिए यहाँ पर पक्का एक जो कहा जा सकता है सीमेंट से यहाँ पे काम किया जा रहा था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इजाज़त उसकी नहीं दी गई और कब्रिस्तान के जो यहाँ पे संचालक हैं जो यहाँ पे कमेटी के प्रमुख हैं उन्होंने इस तरह से पक्का एक इमारत जैसा खड़ा करने का इजाज़त नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान के नियम की अगर बात है तो यहाँ पर पक्का इस तरह से करने का इजाज़त किसी को नहीं दिया जाता है और जो भी लोग होते हैं उन्हें इस कब्रिस्तान में एक दफनाने के बाद उसको इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शहाबुद्दीन को दफनाने के बाद जिस तरह से उनके नाम का पत्थर लगाया गया और जिस तरह से यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शहाबुद्दीन जिस तरह से बाकायदा पहले भी चर्चा में होते थे जब वो बिहार में सांसद होते थे उस वक्त में भी चर्चा के केंद्र होते थे लेकिन उनके इंतकाल के बाद भी अब वो चर्चा के केंद्र में बने हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कब्रिस्तान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन्होंने इस तरह के फैसला लिया है। शंकर आनंद न्यूज 18।